वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं यहाँ पे आपको एसएमएस सेंडिंग इन पाइथन, जो मेरे अमेजिंग प्रोजेक्ट सीरीज का नंबर वन बिगिनर्स प्रोजेक्ट है फॉर पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे सब कुछ ने देखा है कि मोबाइल में बहुत तरह के एसएमएस, बहुत तरह के मैसेज आते हैं। अगर यहाँ पे मैं काफ़ी पीटी सीगर हूँ कि सब कोई जियो सिम तो यूज़ करता ही हो, वो कौन से फ़ोन में करे, सैमसंग करे, वीवो करे, मोबाइल का ब्रांड मैटर नहीं करता, सब कोई जियो सिम तो करता होगा। अगर और यहाँ पे जब से जियो सिम आया, सब कोई का डेटा तो 50% या 90% तो सब कोई अपना डेटा तो रोज पर डे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो मैसेज आते हैं वो कैसे आते, मतलब आज का मेरा टॉपिक है कि मैसेज कैसे आते, आज का जो टॉपिक है मैसेज कहते हैं, वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सिखाऊंगा। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक भी कर दे। अगर ये वीडियो किसी को हेल्पफुल नज़र आता तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है भाई, बिगिनर प्रोजेक्ट। तो फिर चलो मैं अपना पाइचाम में एक तो फोल्डर बना लिया हूँ पाइथन मैसेजिंग नाम का, इसके अंदर मैं टेक्स्ट मैसेजिंग नाम का एक तो पाइथन फाइल बना लिया। इसके अंदर होगा क्या, देखो क्या करता हूँ, मैं जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ वो मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं करता, वो मैं डाउनलोड में करता हूँ। अगर प्रोजेक्ट फोल्डर कभी भी डिलीट भी कर दे गलती से, तो वो मॉड्यूल मेरे डाउनलोड फोल्डर में रहेगा। डाउनलोड फोल्डर तो डिलीट तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबका नेसेसरी है, जो जो जितने भी सारे कंप्यूटर हैं उनमें डाउनलोड फोल्डर होता ही होगा। इसकर विंडोज मैं एक बड़ा विंडोज यूज़र हूँ तो ज़्यादा नहीं हूँ। तो उस मॉड्यूल का नाम पिप इंस्टॉल वोनेज VONAGE, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और साथ ही साथ जब तक इंस्टॉल होता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ऐसा मैं प्रोजेक्ट लाता रहूँगा पर वीक। कभी कभी मेरा लेट हो जाता है पर उसको मत देख लेना, मेरे प्रोजेक्ट के कंटेंट को देखो यार। और मैसेज को सेंड करने के लिए आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, API की और सीक्रेट की। मैं एक तो वेबसाइट पे पहुंच, वेबसाइट का नाम लिखा oneage.com, ये वही वेबसाइट है जो मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करूँ। तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ यार, क्या और कैसे करता हूँ। oneage.com लिख दिया, आपका जो भी ब्राउज़र है, लिखूँगा गेट API की। मैंने अभी तक तो यहाँ पे साइन तो कभी किया नहीं हूँ, किया था पहले आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं इसको फिर से अपना, मेरे पास इधर 16 से ज़्यादा ईमेलें हैं, यहाँ पे मैं यूज़र चेंज कर लेता हूँ नॉट साइन इन को है, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके साइन इन कर लेता हूँ उसके। गाइस तो मैंने अपना अकाउंट ऐड कर लिया है, तो मैं उसके बाद से बना था, तो मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ दीप कोडर। यहाँ पे कोई भी एक तो ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ, मेरे पास 16 है ईमेल एड्रेस, तो एक तो कोई भी उठा के डाल देता हूँ, यही डाल लेता हूँ रिपन रोबोटिक्स, ये मेरा नया है, इसको डाल दिया। पासवर्ड भी कोई एक तो डाल दिया, क्रिएट माई अकाउंट, फायर हाइड्रेंट का एक तो कैप्चा आ गया जो श्योर करता है कि मैं रोबोट होगी नहीं।
तो स्टार्ट कोडिंग से मेरे अकाउंट में एक तो ईमेल आएगा, तो उस ईमेल से ही आपको एक्टिवेट होना। अगर वो ईमेल आपका नहीं है तो उस ईमेल को बिल्कुल भी मत डालना। देखो मेरा एक तो आया है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। फोर जीरो टू एट सेवन थ्री टू जीरो ये मेरा फोन नंबर है, इस पे तो कोड आएगा। अगर किसी को यहाँ से सुनाई दिया होगा तो वो कोड ही है मेरा नोटिफिकेशन हब से। यहाँ पे एक तो डैशबोर्ड आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। मैं हाँ, हम लोग तो पाइथन प्रोग्रामर हैं तो पाइथन ही तो सीखेंगे ना। अभी के लिए एसएमएस, सिर्फ इस वीडियो के लिए एसएमएस। मैं बाद में भी और बनाऊंगा, चिंता मत किया करो। तो आपको अकाउंट में डाल दिया है 2 यूरो। आपका एपीआई की यहाँ रहेगा, गेट स्टार्टेड में क्लिक करना, इत एपीआई की एपीआई सीक्रेट। आपको यही दोनों के लिए आपको साइन इन का बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ गया था। तो मेरे अकाउंट में $2 डेमो अकाउंट हो गया, और मैं इसको एक बार पढ़ा देता हूँ। अपग्रेडिंग टू पेड अकाउंट विल रिमूव द वाटर मार्क मैसेजेस, इनेबल आउटबाउंड टू एनी नंबर एंड अलाउ द परचेज ऑफ वर्चुअल नंबर। हर टेक्स्ट के पीछे एक तो वाटर मार्क मीन्स एक तो सिग्नेचर रहेगा। आप लोग अगर नहीं समझ तो मैं जब एसएमएस मेरा मोबाइल तक पहुंच जाएगा तब मैं दिखा दूंगा। तभी चलो कोडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने वनेज एपीआई का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था तो आप लोगों का कोड सक्सेसफुली रन होने की चांसेस। और एक तो बात और एक तो बता देता हूँ कि वनेज कोड सिर्फ और सिर्फ जब इंटरनेट रहेगा तभी काम करेगा। वन मैं जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ, क्लाइंट यहीं पे की, यहीं पे की और सीक्रेट वही डालना पड़ता है। सीक्रेट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्रैट डॉट सेंड मैसेज। यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी भेजना पड़ेगा, डिक्शनरी तो वहाँ पे होगा फ्रॉम, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नंबर, टू कहाँ जाएगा या ये मैसेज किसको जाएगा और मैसेज। यहाँ पे आप लोग मैसेज की जगह टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। मैंने तो डाल रखा था सिर्फ मैसेज डालना था। ये दोनों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों आपको ज़रूरी है ही है अगर इस एपीआई वनेज एपीआई से मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों का अपना नंबर तो नहीं दिखाना चाहता इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा ये नंबर कहाँ जाएगा, कहाँ मतलब कहाँ से आएगा,
या यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हैं। मैं अपना चैनल का ही नाम डाल देता हूँ, दीपायन प्रोग्रामिंग दीपायन टू। यहाँ पे मैसेज क्या डाल रहा है वो भी दिखाऊँ, नंबर नहीं दिखाऊंगा, नंबर नहीं दिखाऊंगा भैया। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कोड फॉर SMS। माई कोड फॉर यह माई कोड इज रनिंग स्मूथली। और फिर गाइस यहाँ पे एक तो आपको रिस्पॉन्स के लिए भी एक तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि प्रिंट हुआ मतलब प्रिंट के अंदर मैंने मैंने इन सब को डाल दिया हूँ। तो ये प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे एक तो स्टेटस कोड होगा, अगर स्टेटस कोड 0 हुआ तो समझना आपका फ़ोन में SMS पक्का आए, अगर नहीं हुआ वहाँ पे 0 के अलावा और कुछ हुआ तो समझा कुछ तो गलती वलती किए हो, या फिर मैंने किया है या फिर तुम लोगों ने किया है। तो मैं वीडियो को पॉज करके अपना नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इस कोड को रन करूँगा, उसके बाद मैं अपना फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊँगा कि फ़ोन में वो ये मैसेज आई एम हैप्पी विद दिस कोड फॉर SMS माई SMS कोड इज़ रनिंग स्मूथली, ये मैसेज पहुँचा भी है या नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों ने झांसा वाला। और फिर गाइस मैंने कहाँ पे एक तो मैंने एक तो सीक्रेट बताना भूल गया था, और वो सीक्रेट है कि अगर ये वीडियो कोई इंडियन बच्चा देख रहा है या कोई इंडियन है, अगर ये फ़ोन नंबर अगर ये मैसेज किसी इंडियन फ़ोन नंबर इंडियन रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जाता है तो उसके अंदर इंडियन का कोड लगा देना, कंट्री कोड लगा देना जो है 91, प्लस मत डालना सिर्फ 91 लिखना, उसके बाद जहाँ जहाँ पे XXXX लिखा हुआ है यहाँ पे आपका खुद का फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, फ़ोन आपको मैं फ़ोन के स्क्रीन तक लेके जाता हूँ, देखो क्या होता है। तो फिर गाइस मेरा कोड रन तो कर रहा है, फ़ोन में भी मैसेज पहुँच गया, पर मैंने जो कहाँ पे जो मैंने जो ये कोड लिखा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया, तो मैं इसको वेरिएबल के अंदर कर करके दिखाता हूँ। क्लाइंट इक्वल्स टू 1h.client वही API की सीक्रेट की और API सीक्रेट और API की, फिर आएगा SMS इक्वल टू 1h.SMS, उसके अंदर चले जाएगा क्लाइंट, फिर प्रिंट होगा, फिर रिस्पॉन्स प्रिंट होगा सेंड SMS, यहाँ पे डिक्शनरी डालना होगा, यहाँ पे डिक्शनरी डालना होगा फ्रॉम डीप कोड। तो फोन नंबर यहाँ पे अपना कंट्री कोड अपना फ़ोन नंबर के पहले 91 ज़रूर सोच के लगा लेना, उसके बाद टेक्स्ट क्या मैसेज जाएगा। मैं अपना वही मैसेज डाल देता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर रनिंग दिस SMS कोड। तो फिर गाइज मैंने जो बोला था
स्टेटस जीरो, मतलब ये अगर आपको प्रिंट आउट का स्टेटमेंट कहीं भी दिखता है, कहीं भी दिखता है, तो समझना मैसेज आपके फोन दिए गए फोन नंबर तक पहुंच गया। अगर ये देखना है कि कोड कैसे रन करते हैं, तो थोड़ा सफर करो, अभी मैं अपने फोन के स्क्रीन तक ले, तो मैं आप लोगों को अपने मैसेज दिखाता हूँ कि मेरे फोन में वो मैसेज रिसीव हुआ भी है या नहीं। ये देखो, यही वो कोड है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने यहाँ पे थोड़ा वेरी का स्पेलिंग गलती कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर रनिंग दिस एसएमएस कोड। मैंने वाटर मार्क के जो बारे में बात किया था ना, वही है फ्री एसएमएस डेमो टेस्ट मेथड। मैंने इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, मैंने सिर्फ इसको सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए, कि मैं कोई एक तो बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ जो मेरे को इस एपीआई का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ उसका एपीआई यूज़ किया और उसमें वाटर मार्क भी आ गया, क्योंकि ये मेरा फ्री वर्जन है, क्योंकि ये मेरा फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में ये वाटर मार्क आना कंपलसरी है, हर एपीआई में आएंगे, हर एपीआई। सिर्फ हो सकता है कि इस एपीआई का ये वाटर मार्क है, मैसेज वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क, जो भी बोलो है, लिखा हुआ है, ये एडिशनल टेक्स्ट है जो मैंने नहीं लिखा था, पर भी आ गया, क्योंकि इस मैसेज का काम है प्रमोशनल करना कि कहाँ से आया है, या कुछ ऐसा जो जो सब कोई देख के समझ जाए कि ये फ्री मैसेज यूज़ किया है। अगर आप लोग जियो का मैसेज देखते होंगे, उसमें ऐसा कोई वाटरमार्क नहीं होता, क्योंकि जियो कंपनी अपना एपीआई खरीद के यूज़ करता है, एपीआई खरीद लेता है, उसके बाद यूज़ करता है। एपीआई खरीदने के बाद ये सारा वाटरमार्क आ जाएगा और आप जो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वही सिर्फ दिखाई देगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर काम का है या प्रोजेक्ट, आप लोगों का प्रोजेक्ट बनाने का काम आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स।